Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. So I am Dr. Bakhtawar. For everyone who doesn't know me yet, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और आज मैं आई हूँ एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आप सबके लिए, एक मेडिकल टॉपिक के साथ. तो आजकल एज यू गाइज नो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कीटो डाइट का, डाइट प्लान्स का, इंटरमीडियंट फास्टिंग का और वेट लॉस का, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का ट्रेंड चल रहा है, विच इज़ समथिंग वेरी गुड. क्योंकि जिस तरह से डायबिटीज़ और ओबेसिटी और हाइपर टेंशन जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, सो इट्स गुड अगर हमारी जो यूथ है, जो हमारी एज ग्रुप है फैमिली में, उनमें अगर अवेयरनेस हो कि हाउ टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल. तो बेसिकली मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या होती है. इंटरमीडियंट फास्टिंग बेसिकली एक सेट टाइम पीरियड अपनी लाइफ में आप सेट करते हैं जिसमें आप खाते हैं और देर इज़ अ टाइम पीरियड जिसमें आप नहीं खाते. तो बेसिकली इसको एक सिंपल अगर मैं वर्ड में या एक सिंपल इसको सिनेरियो में अगर मैं बताऊं आपको, तो बेसिकली होता है कि हमारा जो पूरा दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है. उस 24 आवर्स में अगर मैं अपने डे को डिवाइड कर दूं 16 घंटों में और 8 घंटों में, 16 घंटे वो होंगे जिसमें मैंने फास्ट करना है, जिसमें मैंने रोज़ा रखना है, कुछ नहीं खाना मैंने, और 8 आवर्स वो होंगे, 8 घंटे वो होंगे जिसमें आई विल हैव माई मील. एंड नाउ इट्स अप टू मी इफ आई वॉन्ट टू हैव टू मील्स इन दोज 8 आवर्स और आई वॉन्ट टू जस्ट हैव वन मील इन दोज 8 आवर्स, इट्स अप टू मी. लेकिन फॉर दोज सेट 16 आवर्स आई विल नॉट हैव एनी मील. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रात को 9 बजे मेरी लास्ट मील होती है, दैट इज माई डिनर, तो सुबह फिर मैं नेक्स्ट डे 1 PM पे मेरा जो है वो फास्ट ब्रेक होगा और आई विल हैव माई मील, फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो दिस इज हाउ इंटरमीडियंट फास्टिंग इज. अब इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं. एक होती है जो 16 आवर्स टू 8 आवर्स का रेशो होता है, मतलब 16 आवर्स वो जिसमें आपने नहीं खाना और 8 आवर्स वो जिसमें आप अपनी मील्स लेते हैं. एक वो होती है 20-4 आवर्स वाली, 20 आवर्स में यू डोंट हैव योर मील, यू फास्ट, एंड 4 आवर्स वो होते हैं जिसमें यू ईट योर मील. एंड देन कम्स ओमैड, OMAD डाइट. OMAD जो होती है वो 1 meal a day वाली डाइट होती है जिसमें यू ओनली हैव 1 meal per day, 24 घंटे में आप 1 meal लेते हैं, ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स की डाइट होती है. इसी तरह एक होती है इंटरमीडियंट फास्टिंग जिसमें आप 5 weeks में डिवाइड कर देते हैं अपने डेज को, अपने फास्ट को. फॉर एग्जाम्पल 5 days यू हैव योर रेगुलर मील्स एंड 2 days यू फास्ट, ट्रेडिशनली यू फास्ट, उसमें आप सिर्फ 1 meal लेते हैं, वो भी आप लो कार्ब एंड लो फैट डाइट लेते हैं उसमें. तो ये वाली जो 5:2 वाली होती है, 5 days a week आप जिसमें रूटीन आप अपने रूटीन का फूड ले रहे हैं, एंड 2 days यू आर फास्टिंग, दिस इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू होने में जब टाइम लगता है तो यू कम बैक टू फास्टिंग स्टेट. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट रियली वेरी इफेक्टिव. अगर आपको अपनी इंटरमीडियंट फास्टिंग इफेक्टिव बनानी एंड यू थिंक दैट यू नो यू नीड टू लूज वेट एंड यू नीड टू कट डाउन ऑन योर कैलोरीज, द इफेक्टिव वे इज़ ओमैड डाइट, नंबर वन. नंबर टू इज 16:8 का कर लें एंड 20:4 का कर लें. सो इंटरमीडियंट डाइट स्टार्ट करने के लिए द बेस्ट थिंग इज टू कट डाउन योर मील्स फर्स्ट ऑफ ऑल. फॉर दोज पीपल जिनको स्नैकिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि दे कैन स्टार्ट विद 3 meals a day एंड देन दे कैन स्टार्ट स्किपिंग देयर ब्रेकफास्ट एंड देन दे मे स्किप देयर लंच, ठीक है. वो अपने स्नैक्स को कट डाउन करें पहले. स्नैक्स कट डाउन करने के बाद 3 meals a day करें, 3 meals में से कैलोरी कट डाउन करना स्टार्ट करें, एंड देन स्किपिंग द मील्स इज स्किपिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड मील एंड मे बी कीपिंग अप विद लंच और मे बी कीपिंग अप विद योर डिनर. आप कोई भी एक चीज़ रख सकते हैं या सिर्फ ब्रेकफास्ट रख सकते हैं, इट्स अप टू यू. अब जो फास्टिंग वाले आवर्स होते हैं उसमें आप लोग क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, पहली चीज़ तो आप कुछ खा ही नहीं सकते उसमें. आप यू कैन टेक लिक्विड्स, आप पानी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, चाय विदाउट शुगर, आप कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट शुगर, यू कैन टेक ब्लैक कॉफ़ी, यू कैन टेक मिनरल वाटर्स, जो वाइटामिन वाटर्स आते हैं आप वो ले सकते हैं. नो जूसेस, नो कैलोरी मिल्क शेक्स, नो मिल्क्स, नो फ्लेवर्ड योगर्ट्स, नथिंग, नो लस्सी, नो यू नो कोई भी ऐसी कैलोरी वाली चीज़ नहीं लेनी.
ओनली जीरो कैलोरी वाली चीज़ें होनी चाहिए. ग्रीन टी ले लें, वाटर ले लें, मिनरल वाटर्स ले लें, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ जो फास्टिंग वाला स्टेट होता है, यू हैव टू स्पेंड इट लाइक दैट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव ट्राइड डूइंग इंटरमीडियंट फास्टिंग एंड इट वॉज रियली फास्ट. एंड विद इन लाइक 4 to 5 days, योर बॉडी गेट सो यूज टू ऑफ इट दैट यू डोंट इवन फील लाइक ईटिंग एट टाइम्स. यू डोंट इवन फील हंग्री वेन दिस योर टाइम टू ईट. यू डोंट इवन फील हंग्री उस वक्त भी जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है खाने का, आप तब भी आपका दिल नहीं चाहता दैट यू ईट समथिंग बिकॉज यू नो योर बॉडी गेट यूज टू ऑफ इट. सो प्रोसेस क्या होता है इसमें, वेट लॉस कैसे होता है? वेट लॉस ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्किन है, इवन हमारी जो हाथों पे स्किन, स्किन के हमारे जो स्किन, हाथों की जो स्किन है, इवन इसके नीचे फैट है, नोज पे फैट है, चीक्स पे फैट है, हर जगह हमारी बॉडी में फैट है. ठीक है, स्किन के नीचे वी हैव अ लेयर ऑफ फैट. तो ये जो फैट होता है ये स्टोर्ड फैट होता है. इट्स गुड फॉर अवर बॉडी टू सम एक्सटेंट, लेकिन जब इसकी एक एक्सटेंट से ज़्यादा हम कैलोरी लेना शुरू करते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है. और हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ये तो यूटिलाइज होगा हमारी बॉडी में, इसकी कट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन हमारी अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर हम नहीं मूव कर रहे, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, इफ यू आर नॉट वॉकिंग अराउंड, तो ये फैट स्टोर होगा और इसके ऊपर मजीद हम डाइट लेके इसको और स्टोर करते जाते हैं और ये स्टोर होता चला जाता है. जब हम फास्टिंग करते हैं और हम 1 meal पर डे लेते हैं, तो होता क्या है कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होती. इंसुलिन की ऑपोजिशन में एक और हार्मोन होता है जो कि कहलाता है ग्लूकागॉन, वट एवर दैट हार्मोन इज कॉल्ड, भूल जाओ उसको. लेकिन वो जो भी हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो हमें बॉडी में किटोसिस स्टार्ट कर देता है. किटोसिस क्या होता है, फैट का ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल जो मेरी हाथ की जो स्किन होगी, इस स्किन के नीचे आई हैव अ फैट लेयर, ये फैट लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. वाई? बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर द 23 hours और फॉर 20 hours और फॉर 16 hours आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, बट आई एम गोइंग टू माई वर्क, आई एम कमिंग बैक, आई एम वॉकिंग अराउंड और यू नो आई एम मूविंग अ लिटिल बिट. जो मेरी रूटीन के काम है मैं वो तो कर रही हूँ उसमें, और लेकिन मैं कुछ खा नहीं रही हूँ. तो जो मेरी बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो कट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा. Why? To give me energy. ठीक है, body का एक process है कि it provides you energy either by food or your stored food. ठीक है, या तो वो जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें मिल रही होती है एनर्जी, या तो जो हमारा स्टोर्ड खाना होता है हमें उससे एनर्जी मिल रही होती है. तो जब हम खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली जो स्टोर्ड फूड है वही ब्रेक डाउन होगा और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो जो मेरा स्टोर्ड फैट है वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा और विद इन लाइक अ मंथ और टू, अगर मैं ये रूटीन फॉलो करती रहती हूँ, सो आई विल हैव अ चेंज इन माई बॉडी एंड आई विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन दैट वेट लॉस. एक बहुत मेजर चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ अरसे में वो ये है कि आप जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, आप योर ट्रिगरिंग योर इंसुलिन टू बी रिलीज इन द ब्लड. आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है. इंसुलिन बेसिकली इज नॉट अ गुड हार्मोन फॉर वेट लॉस. वाई? बिकॉज पहली चीज़ तो वो ये करता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर कर देता है फॉर लेटर ऑन, जब आपको ज़रूरत हो, विच इज़ अ गुड थिंग. चलो, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपके फैट की ब्रेक डाउन को रोक देता है. और अगर आपकी फैट की ब्रेक डाउन रुक गई, मीन्स आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना स्टार्ट हो गया. तो इंसुलिन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि वो आपके फैट को स्टोर रखता है और आपके वेट लॉस होने में आपको हेल्प नहीं करता, एंड इट मेक्स यू फील हंग्री. तो जितनी ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में रिलीज होगी उतनी ज़्यादा आप हंग्री फील करेंगे. तो इवन डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो इंसुलिन पे होते हैं, मेक श्योर आप अपनी इंसुलिन खाने से पहले लें, आप अपने टाइम पे ड्यूरिंग योर मील आप ले लें, ताकि यू नो इट डजंट मेक यू हंग्री आफ्टर यू ईट. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई मदर, शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट एंड एट टाइम्स शी यूजली हैव हर डिनर एंड शी फॉरगेट्स टू यू नो टेक इंसुलिन. सो वट हैपन इज़ कि जब वो खा चुकी होती हैं खाना, रात का खा लिया उन्होंने, उसके एक घंटे बाद उनको याद आया कि मैंने तो इंसुलिन लगाई नहीं थी. तो अब जब वो इंसुलिन लगाती हैं तो उसके आधे घंटे बाद, 15-20 minutes बाद, शी इज़ हंग्री अगैन एंड शी नीड्स टू ईट अनदर मील या अनदर, शी नीड्स टू हैव अ स्नैक देन. तो दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई थिंक शुड नॉट हैपन. आप बार बार अपनी बॉडी को आदत मत डालें खाने की, क्योंकि बार बार खाएंगे बार बार इंसुलिन निकलेगी. चलते फिरते अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप कैंडीज ले रहे हैं या आप स्नैक्स ले रहे हैं, आप यू नो इफ यू ईट वाइल यू वॉकिंग अराउंड एंड यू नो यू स्टार्ट यू कीप अ हैबिट ऑफ मंचिंग, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में मुस्तकिल इंसुलिन रहती है. यू हंग्री एंटायर डे, यू ईटिंग एंड योर
फैट की जो कीटोजेनेसिस होती है, कीटोजेनेसिस बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फैट, तो जब ब्रेक डाउन ही नहीं होगी फैट की तो वो आपकी बॉडी में रहता है, वो स्टोर्ड रहता है एंड इट डजंट गो आउट. सो यस, दिस इज इट. आई होप कि ये जो एक मैसेज मैंने कन्वे करने की कोशिश की है कि बार बार मत खाएं, अगर खा रहे हैं तो मेक श्योर के यू आर हैविंग वन प्रॉपर मील, ताकि वो एक दफ़ा इंसुलिन रिलीज हो, वो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर कर ले एंड देन यू गुड टू गो. बार बार अगर खाएंगे, बॉडी को आदत रखेंगे खाने की, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. एंड कट डाउन स्नैक एज मच एज पॉसिबल. और आपने इंटरमीडियंट फास्टिंग अगर स्टार्ट करनी है तो 12 घंटे से स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, रात को 9 बजे मील लें, सुबह 9 बजे नाश्ता कर लें रात को, क्योंकि 9 बजे अगर आप मील ले रहे हैं, उसके बाद यू जस्ट हैव टू स्लीप यू नो बाई 10 और 11 और 12, इफ़ यू आर स्लीपिंग बाई 12 इन द मिड नाइट. नेक्स्ट डे अगर आप 9 बजे उठ के या 10-11 बजे भी उठ के अगर नाश्ता करी, यू आर गुड टू गो, यू हैव स्टार्टेड फास्टिंग फॉर 12 आवर्स. नाउ अब आप अपने आवर्स को बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप रात को 12 बजे सोए हैं, आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, डोंट हैव योर ब्रेकफास्ट बाई 10 AM इन द मॉर्निंग, जस्ट यू नो ड्रैग योर ब्रेकफास्ट टिल 1 PM और मे बी 12 noon, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, ड्रैग योर लंच टाइमिंग्स टू 3 PM एंड देन 4 PM एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. So even if you're having your meals from 4 PM or 3 PM till 9 PM, that's a good window to eat. Try not to eat after 9 PM, wo to ek general rule hai. And no midnight snacks, nothing. Raat ko jaldi so jaye taki na snack ho na, you know, aapko koi strength craving ho. So yes, these are the tips and tricks that I can share with you guys till now with my experience and with my research and with my knowledge. So I hope this video helps you out with fasting and you know clearing out the concept of intermittent fasting. So please do subscribe to this channel and hit the like button if you like the video, and comment down below if you guys have any questions regarding intermittent fasting, diabetic patients, hypertensive patients or anything. So I hope you like today's video. Please give this video a thumbs up and write down your questions below in the comment section, and do hit the subscribe button down below. So see you guys next time. Until next time, take care. Allah Hafiz.